यकीनी तौर पर मुझे बहुत अच्छा लगा है क्योंकि साफ़ी दोस्त हजरात ये दिन रात जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, जिस मेहनत से, जिस लगन से ये काम करते हैं, यकीनन इनकी फ़िटनेस के लिए कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, कोई जगह होना चाहिए। तो आज इसके इफ्तिताह के हवाले से जब हमने यहाँ पे आए, यहाँ पे इस जिम को देखा, तो हर चंद के ये मैं कहता हूँ कि अभी इस जिम के हवाले से ये थोड़ा छोटा है, इसको जो है मतलब मज़ीद जो है मतलब तोसी देना चाहिए। और उस सिलसिले में इस महकमा स्पोर्ट्स मेरे साथ सेठी साहब भी बैठे खड़े हैं, इमरान गिचकी साहब जो है, हम यकीनी तौर पर हमारी ताउन, हमारी हुकूमत की ताउन इनके साथ रहेंगे। और मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि ये फारिग वक्त में जब भी इनको टाइम मिले जिम में या पे इनको इनकी फ़िटनेस के लिए, इनकी साफियों की जो है खसूसी तौर पर इनकी फ़िटनेस बहुत ज़्यादा लाजमी है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये इतने काम करते हैं कि इनको न लंच का मालूम होता है, न डिनर का मालूम होता है, न ये किसी हवाले से भी जो है मतलब ये हर तरह का मतलब पूरा पूरा दिन भी लगाते हैं कहीं पे कवरेज करने के लिए, जाने के लिए। तो इनके लिए इंतहाई लाजिम है कि वो अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। और इंशाअल्लाह ताला हमारी हुकूमत जो है मतलब हम इनके साथ हैं, हमने कहा कि आप जिम को मज़ीद तोसी कर लें, उस पर हम इंशाअल्लाह ताला हमारी ताउन इनके साथ रहें। देखिए बहुत जल्द जो है मतलब हम इस चीज़ में देख रहे हैं, अल्लाह ताला का लाख लाख करम है कि पाकिस्तान में बस खसूसन बलूचिस्तान में केसेस जो है मतलब जिस तेज़ी से बढ़ रही थी उस तेज़ी से अभी जो है मतलब वो डाउन हो चुका है। तो हम भी सोच रहे हैं हमारे महकमे में भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ईद के बाद जो है हम फैसला करेंगे कि हम स्पोर्ट्स के मैदानों को जो है उस SOPs के तहत जो है मतलब स्पोर्ट्स के मैदानों को जो है मतलब खोलें और लड़कों को जो है मतलब प्रैक्टिस, क्योंकि वाहिद कोरोना की भी किसी बीमारी से लड़ने का वाहिद इलाज भी आपके स्पोर्ट्स में है। जब तक आप स्पोर्ट्समैनों को ही नहीं करोगे, और दूसरी बात यह है कि सूबाई हुकूमत स्पोर्ट्स के तरवीज के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है। सीरियस इस हवाले से कि आज आप देख रहे हैं कि पूरे बलूचिस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट में, बग़ैर इसके कि वो डिस्ट्रिक्ट किसी अपोजिशन से ताल्लुक़ रखते हैं कि कई और दूर दराज इलाकों में, हमने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स रखा है। ये पाकिस्तान की तारीख में, सूबों की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि हम जो है मतलब हर म्यूनसिपल कमेटी में फुटसाल बनाने जा रहे हैं, जो काम जारी हो सारी है। इंशाल्लाह 2020-21 में आप देखेंगे कि 33 से ज़्यादा जो है मतलब क्वेटा में तकरीबन 2-3 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, 33 डिस्ट्रिक्ट में हम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं। तो वो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो इंटरनेशनल लेवल के होंगे इंशाल्लाह ताला उसमें हर स्पोर्ट्स उसमें शामिल होगा उस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में। तो ये हम बनाने जा रहे हैं, देखते हैं कि किस हद तक इंशाल्लाह ताला कामयाबी हमारी होगी। हम एक अच्छे जहन के साथ जो है एक लगन के साथ हम आए हैं और हम स्पोर्ट्स की तरवीज को यकीनी बनाएंगे। और ये हमारी बदकिस्मती भी रही है कि हमारे जवानों को, बलूचिस्तान के यूथ को जो है दानिस्ता तौर पर इंटेंशनली जो है मतलब उनको स्पोर्ट्स से दूर रखा गया है, उनके लिए कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी, मुस्बत सरगर्मियाँ उनके लिए उनको नहीं मुहैया किया गया है। इसलिए तो वो पहाड़ों पर जा रहे हैं, इसलिए तो वो जो है मतलब इंतहा पसंद बन रहे हैं, इसलिए तो उनमें नफ़रत और तासुब को आम किया जा रहा है। तो स्पोर्ट्स वाहिद चीज़ है कि उससे जो है मतलब हम इंट्रक्शन को आम कर देंगे, हम गुल मिलेंगे, हम एक दूसरे के साथ, हमारी यूथ एक दूसरे के साथ मिलेंगे, और एक इसी तरह जो है मतलब हम आहंगी भी पहलेगा, इसी तरह दोस्ती भी बरकरार रहेगा, और इससे जो है मतलब दोस्तियाँ भी बढ़ेंगे और एक अच्छा तासुर भी जाएगा। देखिए इसमें जिस तरह कोरोना के हवाले से आम तासुर यही है कि ये हजूम देखता है, ये हब्स वाले इलाका देखता है, ये जहाँ पे हजूम होता है ये वहाँ पे जो है सरायत करती है और वहाँ पे जो है मतलब अपनी सर्वाइवल को बरकरार रखता है। इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए किसी इस तरह का हजूम से, चाहे वो हजूम कोई मजहबी हवाले से हो या स्पोर्ट्स के हवाले से हो, किसी भी हवाले से। तो हम इसको जो है इसको देख रहे हैं, हम उनके मसाइल को समझते हैं, हम उनकी तकालीफ को समझते हैं, हम ये भी समझते हैं कि बस उसमें कितना जो है मतलब किस तरह का स्प्रे होना चाहिए, किस तरह SOPs को जो है मतलब उस पर अमल दरामद होना चाहिए। इंशाल्लाह ईद के बाद जो है डिपार्टमेंट इस पर अपना फ़ैसला देगी। बड़ी मेहरबानी आप लोगों की, क्योंकि जिम एक ऐसा है कि सेहत को अगर आप बरकरार रखना चाहते हैं, सेहत को आप फिटनेस के मतलब उस पर बरकरार रखना चाहते हैं और अच्छा रखना चाहते हैं, तो जिम बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल इतने रश हो रहा है
मतलब बाहर बंदा जा नहीं सकते, तो प्रेस क्लब का ये एकदम बहुत ही अच्छा है। इससे हम जितने जो साफ़ी लोग हैं वो अपने ड्यूटी के बाद आएंगे या शाम को आएंगे या सेकेंड हाफ में आएंगे, मतलब आके यहाँ पे फ्रेश भी रहेंगे और अपनी सेहत भी, जो इनकी जो सेहत है वो भी मेंटेन रहेंगी। और उससे ये फ़ायदा होगा कि जितने जो दिन में आपके पास आपके साथ जो टेंशन होती है, जो मतलब मसले मसाइल होते हैं, आप सोचते रहते हो, तो यहाँ आके अगर आप वर्जिश करोगे, जिसमें बहुत सारी मशीनें मतलब प्रेस क्लब ने लेके आए हैं, तो इससे बंदा फ्रेश भी रहेगा, स्मार्ट भी रहेगा और जितने जो सुकून है, ज़हनी सुकून भी उसको मिलेगा।